नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री मिस्ट्री रिवील चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत में इस्लाम कैसे आया। भारत में इस्लाम 12वीं सदी से भी बहुत पहले अपनी दस्तक दे चुका था। विश्व में ईसाई धर्म के बाद इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। विश्व में आज लगभग 1.8 अरब मुसलमान हैं, इनमें से लगभग 85% सुन्नी और लगभग 15% शिया है। भारतीय गणतंत्र में हिंदू धर्म के बाद इस्लाम दूसरा सर्वाधिक प्रचलित धर्म है, जो देश की जनसंख्या का 14.2% है। भारत में इस्लाम का आगमन करीब 7वीं शताब्दी में हुआ था। लोकप्रिय विश्वास के विपरीत इस्लाम भारत में मुस्लिम आक्रमणों से पहले ही दक्षिण एशिया में आ चुका था। इस्लामी प्रभाव को सबसे पहले अरब व्यापारियों के आगमन के साथ 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में महसूस किया जाने लगा था। प्राचीन काल से ही अरब और भारतीय उपमहाद्वीपों के बीच व्यापार संबंध अस्तित्व में रहा है। यहाँ तक कि पूर्व इस्लामी युग में भी अरब व्यापारी मालाबार क्षेत्र में व्यापार करने आते थे। इतिहासकार इलियट और डाउनसन की पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस के अनुसार भारतीय तट पर 630 ईस्वी में मुस्लिम यात्रियों वाले पहले जहाज को देखा गया था। इस्लाम के आगमन के साथ ही अरबवासी दुनिया में एक प्रमुख सांस्कृतिक शक्ति बन गए। अरब व्यापारी और ट्रेडर एक नए धर्म के वाहक बन गए और जहां भी गए उन्होंने इसका प्रचार किया। यह कथित तौर पर माना जाता है कि राम वर्मा कुलशेखर के आदेश पर भारत की प्रथम मस्जिद चेरामन परुमल जुमा मस्जिद का निर्माण 629 ईस्वी में हुआ था, जिसे मलिक बिन देनार के द्वारा केरल के कोंडुगालूर में बनाया गया था। मलिक बिन देनार को भारत का पहला मुसलमान भी माना जाता है। मालाबार में मप्पिलास इस्लाम में परिवर्तित होने वाले पहले समुदाय हो सकते हैं, क्योंकि वे दूसरों के मुकाबले अरब से अधिक जुड़े हुए थे। तट के आसपास गहन मिशनरी गतिविधियां चलती रही और कई संख्याओं में मूल निवासी इस्लाम को अपना रहे थे। भारत में इस्लामिक शासन का विस्तार 7वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण और बाद के मुस्लिम शासकों द्वारा हुआ। मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम के शुरुआती काल में उमियत खिलाफत का एक अरब सिपह सालार था। लगभग 712 में इराकी शासक अल-हज्जाज के भतीजे एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष की अवस्था में सिंध के अभियान का सफल नेतृत्व किया। इतिहासकारों के अनुसार इस्लाम के प्रवेश के पहले अफगानिस्तान में बौद्ध एवं हिंदू धर्म यहाँ के राज धर्म थे। मोहम्मद बिन कासिम ने बलूचिस्तान को अपने अधीन लेने के बाद सिंध पर आक्रमण कर दिया। चचनामा नामक ऐतिहासिक वर्णन के अनुसार सिंध के राजा दाहिर सेन का बेरहमी से कत्ल कर उसकी पुत्रियों को बंधक बनाकर ईरान के खलीफाओं के लिए भेज दिया गया था। कासिम ने सिंध के बाद पंजाब और मुल्तान को भी अपने अधीन कर लिया। इस्लामिक खलीफाओं ने सिंध फतह के लिए कई अभियान चलाए। 10,000 सैनिकों का एक दल ऊंट घोड़ों के साथ सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। सिंध पर 638 से 711 ईस्वी तक के 74 वर्षों के काल में 9 खलीफाओं ने 15 बार आक्रमण किया। 15वें आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। उस दौर में अफगानिस्तान में हिंदू राजशाही के राजा अरब और ईरान के राजाओं से लड़ रहे थे। अफगानिस्तान में पहले आर्यों के कबीले आबाद थे। वे सभी वैदिक धर्म का पालन करते थे। फिर बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद यह स्थान बौद्धों का गढ़ बन गया। 6वीं सदी तक यह एक हिंदू और बौद्ध बहुल क्षेत्र था। यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों में हिंदू राजा राज करते थे। फिर बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद यह स्थान बौद्धों का गढ़ बन गया। इन काबुल शाही राजाओं ने लगभग 350 साल तक अरबी लुटेरों का डटकर सामना किया और उन्हें सिंधु नदी पार करके भारत के मुख्य मैदान में नहीं घुसने दिया। लेकिन 7वीं सदी के बाद यहाँ पर अरब और तुर्क के मुसलमानों ने आक्रमण करने शुरू किए और 870 ईस्वी में अरब सेनापति याकूब एलस ने अफगानिस्तान को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद यहाँ के हिंदू और बौद्धों का जबरन धर्मांतरण अभियान शुरू हुआ। सैकड़ों सालों तक लड़ाइयाँ चली और अंत में 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी से त्रिलोचन पाल की हार के साथ अफगानिस्तान का इतिहास पलटी खा गया। काफिरिस्तान को छोड़कर सारे अफगानी लोग मुसलमान बन गए। 714 ईस्वी में हजाज की और 715 में मुस्लिम खलीफा की मृत्यु के उपरांत मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया गया। कासिम के जाने के बाद बहुत से क्षेत्रों पर हिंदू राजाओं ने फिर से अपना अधिकार जमा लिया, परंतु सिंध के राज्यपाल जुनैद ने सिंध और आसपास के क्षेत्रों में इस्लामिक शासन को जमाए रखा। जुनैद ने कई बार भारत के अन्य हिस्सों पर आक्रमण किए, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया।
नागभट प्रथम, पुलकेशी प्रथम एवं चालुक्य ने इसे वापस खदेड़ दिया। इसके बाद भारत की धन संपत्ति से आकर्षित होकर गजनवी ने भारत पर कई बार आक्रमण किए। महमूद गजनवी मध्य अफगानिस्तान में केंद्रित गजनवी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। वास्तव में गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसके आक्रमण का मुख्य मकसद भारत की संपत्ति को लूटना था। गजनवी ने भारत पर आक्रमण के दौरान धार्मिक आयाम को भी जोड़ा। गजनवी ने सोमनाथ, कांगड़ा, मथुरा और ज्वाला देवी के मंदिरों को नष्ट कर मूर्ति तोड़कर अपना नाम कमाना चाहा। महमूद गजनवी ने पहली बार 1000 ईस्वी में आधुनिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर हमला किया था। गजनवी ने हिंदू शासक जयपाल को पराजित किया, जिसने बाद में आत्महत्या कर ली और उसका पुत्र आनंदपाल उसका उत्तराधिकारी बन गया। इसके बाद गजनवी ने भाटिया, मुल्तान, भटिंडा, थानेसर और 1015 ईस्वी के करीब कश्मीर पर आक्रमण किया। उसका आक्रमण करने का सिलसिला बस यही नहीं थमा। उसने मथुरा, कन्नौज और बाद में 1023 ईस्वी में ग्वालियर पर आक्रमण करके सभी क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया ताकि मंदिर के अंदर की धन संपत्ति को लूटकर एकत्रित कर सके। कहा जाता है कि अरब यात्री अल बरूनी के अपने यात्रा वृतांत में मंदिर का उल्लेख देख गजनवी ने करीब 5000 साथियों के साथ इस मंदिर पर हमला कर दिया था। अपने आखिरी आक्रमण के दौरान मलेरिया के कारण महमूद गजनवी की 1023 ईस्वी में मृत्यु हो गई। यद्यपि भारत पर गजनवी के आक्रमणों का कोई गहरा राजनीतिक असर नहीं है, इन आक्रमणों ने राजपूत राजाओं की युद्ध रणनीतियों की कमियों के बारे में खुलासा कर दिया। इससे खुलासा और हुआ कि भारत में राजनीतिक एकरूपता नहीं थी और इस बात ने भविष्य में ज्यादा हमलों को बुलावा दिया। भारत में इस्लामी शासन लाने की वजह से पाकिस्तान और उत्तरी भारत के इतिहास में गजनवी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। पाकिस्तान में जहां वो एक इस्लामी शासक की इज्जत पाता है, वहीं भारत में एक लुटेरे और कातिल के रूप में गिना जाता है। पाकिस्तान ने गजनवी के नाम पर अपने एक मिसाइल का नाम भी रखा है। मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी और फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी ने क्रूरता के साथ भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी एक कभी नहीं हार मानने वाला विजेता योद्धा और कुशल अफगान सेनापति था, जिसका भारत पर आक्रमण कर भारत को जीतने का उद्देश्य मोहम्मद कासिम और महमूद गजनवी के उद्देश्यों से अलग था। उसका मुख्य उद्देश्य भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था, इसलिए भारतीय इतिहास में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को ही माना जाता है। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले साल 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हमला किया और मुल्तान पर जीत हासिल की। इसके बाद पूरे भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से गौरी ने साल 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। हालांकि गुजरात के शासक ने गौरी की नापाक चाल को नाकाम कर उसे गुजरात से खदेड़ दिया। यह गौरी की पहली हार थी, जिससे सबक लेकर मोहम्मद गौरी ने भारत में अपने विजय अभियान के मार्ग में परिवर्तन कर पंजाब की तरफ से भारत में अपना अधिकार जमाने के प्रयास किए। उसने 1179 से 1186 के बीच पंजाब पर फतेह हासिल की। जिस समय गौरी ने पंजाब पर आक्रमण किया, पंजाब में महमूद शासक शासन संभाल रहे थे। इसके बाद उसने पेशावर, सियालकोट और फिर लाहौर और भटिंडा पर जीत हासिल की, जिसके चलते मोहम्मद गौरी का उत्तरी भारत के मैदानी भूभागों में आगे बढ़ने के लिए रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन मोहम्मद गौरी के राज्य की सीमा दिल्ली और अजमेर के महान शासक पृथ्वीराज चौहान के राज्य से लगी हुई थी। इसलिए भारत पर अपना अधिकार जमाने के मकसद से आगे बढ़ने के लिए गौरी को महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान का सामना करना पड़ा। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दो युद्ध हुए। पहला युद्ध 1191 में थानेश्वर के पास तराइन के मैदान में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई और गौरी को बंधक बना लिया गया। हालांकि पृथ्वीराज चौहान ने बाद में उसे छोड़ दिया, परंतु उसके एक साल बाद ही फिर से 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा। इस तरह मोहम्मद गौरी ने चौहान साम्राज्य का विनाश कर दिल्ली और अजमेर पर जीत हासिल की। पृथ्वीराज के करीबी दोस्त एवं महाकवि चंद्र बरदाई के मुताबिक मोहम्मद गौरी दूसरे युद्ध में जीतने के बाद पृथ्वीराज चौहान को बंधक बनाकर अपने साथ गजनी ले गया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपने शब्द भेदी बाण की अद्भुत कला से मोहम्मद गौरी के दरबार में आयोजित तीरंदाजी प्रतियोगिता में गौरी को मार दिया।
ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान से दूसरे युद्ध में जीतने के बाद एक युद्ध मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जैचन, जिसने पृथ्वीराज के खिलाफ युद्ध में गौरी का साथ दिया था, दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसे चंद्रवार कहा गया। युद्ध जीतने के बाद गौरी अपने राज्य गजनी वापस लौट गया। हालांकि इससे पहले उसने अपने काबिल गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को 24 जून 1206 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना दिया था, जिसने एक नए गुलाम वंश की नींव रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का पहला सुल्तान भी माना जाता है। उसके बाद उसके सेनापति बख्तियार खिलजी ने उसके राज्य का और विस्तार करते हुए 1203 ईस्वी में बिहार पर जीत हासिल की। इस विजय अभियान के दौरान उसकी सेना ने विश्व की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक विक्रमशील विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया। इसके अगले ही साल खिलजी ने बंगाल पर जीत हासिल की और वहां इस्लाम को स्थापित करने में एक अहम भूमिका निभाई। इस्लाम के शांतिपूर्वक प्रचार प्रसार में सूफी संतों का बहुत बड़ा योगदान रहा। सूफी संत जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ थे। हिंदुस्तान में इस्लाम का जिक्र हो और औरंगजेब का जिक्र ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। औरंगजेब ने हिंदुस्तान में इस्लाम को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। औरंगजेब ने पूरे साम्राज्य पर फतवा आलमगीरी यानी शरीयत कानून लागू किया और कुछ समय के लिए गैर मुस्लिमों पर अतिरिक्त कर भी लगाया। गैर मुसलमान जनता पर शरीयत कानून लगाने वाला वह पहला मुसलमान शासक था। औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन हुआ। औरंगजेब हिंदुओं से नफरत करता था, इसलिए उसने हिंदुओं और सिखों को जबरन मुसलमान बनाने की मुहिम चलाई। जो प्यार से मान गया तो ठीक, नहीं तो उसने जोर जबरदस्ती करने में कोई कोताही नहीं बरती। उसने जब हिंदुओं पर जजिया कर लगाया तो इसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, पर वह कहा मानने वाला था। उसने बड़ी बेरहमी से सभी की आवाजों को कुचल दिया। इसके साथ साथ उसने मुसलमानों को करों में छूट दे दी, ताकि हिंदू अपनी निर्धनता के कारण इसको चुका ना पाए और मजबूरन उन्हें इस्लाम धर्म ग्रहण करना पड़े। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। औरंगजेब ने जब कश्मीरी ब्राह्मणों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया तो उन्होंने सिखों के नौवे गुरु तेग बहादुर से मदद मांगी, और इस बात का विरोध करने के कारण औरंगजेब ने नानक जी का भरी सभा में सिर कलम कर दिया। इतना ही नहीं, औरंगजेब ने ब्रज संस्कृति को खत्म करने के लिए ब्रज के नाम तक बदल डाले थे। उसने मथुरा को इस्लामाबाद, वृंदावन को मेमिनाबाद और गोवर्धन को मोहम्मदपुर बना दिया था। वह बात और है कि यह नाम प्रचलित नहीं हो सके। ऐसा कहा जाता है कि जिस कृष्ण की संस्कृति को वह खत्म करने चला था, उसी संस्कृति की उसकी बेटी ज़ैबुनिसा दीवानी हो गई और कृष्ण भक्त बनकर उसके सामने खड़ी हो गई। औरंगजेब ने पहले तो हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया और हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। बनारस के विश्वनाथ मंदिर एवं मथुरा के केशव राय मंदिर को इसी के कहने पर तोड़ा गया। बाद में उसने तोड़े गए मंदिरों की जगह पर मस्जिद और कसाई खाने कायम कर दिए। हिंदुओं के दिल को दुखाने के लिए इस क्रूर शासक ने गौवध करने तक की खुली छूट दे दी थी। कहा जाता है कि औरंगजेब का सपना दारुल हर्ब काफिरों के देश हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम इस्लाम का देश बनाना था। एक लंबा शासन करने के बाद और इस्लाम धर्म को बहुत बड़े आयाम में स्थापित करने के बाद 1707 ईस्वी में दक्षिण के अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की कट्टर नीति ने इतने विरोधी पैदा कर दिए थे कि मुगल साम्राज्य का अंत ही हो गया। औरंगजेब का शासनकाल बस धर्म के नाम पर दो समुदायों के बीच युद्धों में बीत गया और अंत में औरंगजेब के मृत्यु के समय तक मुगल साम्राज्य आर्थिक रूप से पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। अब हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की दरार इतनी गहरी हो चुकी थी जिसे भर पाना लगभग नामुमकिन था। इस तरह से जब भी हम इतिहास के पन्नों को पलटकर देखते हैं कि कैसे इस्लामी शासकों ने भारत में इस्लामिक धर्म को बहुत बड़े आयाम में स्थापित किया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और हिस्ट्री मिस्ट्री रिवील चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।